नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मिस्त्री में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपको पत्थर लगाने का वो तरीका बताएंगे जो शायद किसी ने बताया होगा। आज हम पत्थर लगाने का जो तरीका है, स्टार्टिंग से बताएंगे कि पत्थर लगाने से पहले सबसे पहले किस तरह से उसका मसाला फैलाना है, किस तरह से उसका लेवल करना है और किस तरह से फिर उसको पत्थरों को मजबूत करना है। बस आप देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक, बिल्कुल भी स्किप मत करना। यदि आप वीडियो को स्किप कर देते हो तो आप जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो ये तरीका है, इस तरीके से अगर आप पत्थर को लगाते हो तो यकीन मानिए आप कभी भी पत्थर लगाने में कमज़ोर नहीं रहोगे, क्योंकि जो पत्थर लगाने का काम होता है वो बहुत से मिस्त्री थोड़े से डर जाते हैं कि पत्थर कहीं टूट तो नहीं जाएगा, पत्थर के डिज़ाइन कैसे बनाएं। जो खासकर जो नए मिस्त्री होते हैं और जो पत्थर लगाते रहते हैं उनके लिए तो खैर बहुत आसान है, उसके लिए कोई कठिन नहीं है, पर जो नए मिस्त्री है उनको थोड़ी सी दिक्कत आती ज़रूर है। और जो नए मिस्त्री है वो तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें बारीक से बारीक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और आप वीडियो में जुड़े रहें और पूरे ध्यान से देखें कि इसमें मिस्त्री किस तरह से मसाला फैला रहा है, किस तरह से पत्थर लगा रहा है और किस तरह से इसे चिपका रहा है। मुझे पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि टाइल का मसाला कैसे फैलाते हैं, तो लगभग मसाला फैलाने का प्रोसीजर सेम है, वैसे ही ठिए बनते हैं। जिस तरह से टाइल के ठिए बनते हैं उसी तरह से इसका लेबल होता है और फैलाने का प्रोसेसर भी सेम इसी तरीके से है। फ़र्क इतना है कि उसका मसाला थोड़ा गीला लगता है, इसका थोड़ा सूखा लगता है, बस ये प्रोसीजर है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टाइल का मसाला फैला के भी दिखा दूँगा कि किस तरह से लगता है। यदि आपको इस वीडियो में कुछ पूछना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ये और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो है वो बारीक से बारीक नॉलेज देने वाली होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं आप तक अपनी सारी नॉलेज भेज सकूं। तो दोस्तों, आपने पत्थर का लेबल भी सूत लगाकर ज़रूर चेक करना है। अगर लेबल ऊंचा या नीचा हो तो पत्थर को सूत के हिसाब से बिल्कुल सेट कर लें, तो आपको पत्थर पक्के करते वक्त बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और ना ही वो पत्थर खाली रहेगा, क्योंकि जब आप लेबल अभी सही कर दोगे तो आपको बाद में पक्के करते वक्त आपको कतई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो पत्थर के नीचे जो मसाला लगता है या कहीं कम करना पड़ता है तो आप उसे पहले ही कर लें। अगर आप बाद में करोगे तो पत्थर सही तरीके से नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि कुछ लोग पत्थर को सीमेंट से ही ऊंचा नीचा कर देते हैं, मगर वो सही तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लेवल पहले मसाले से ही सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ पत्थर मोटे कुछ थोड़े से पतले भी होते हैं, इसीलिए इसे थोड़े से मसाले में ही सेट कर लो। उसके बाद आप पक्के करोगे तो आपको ज़्यादा परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको वीडियो में ले चलता हूँ, आप वीडियो देखें और सीखें।